हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग? बेटर आगे एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। वो सारा का सारा टॉपिक जो है, जो आज मैं लेके आने वाला हूँ, वो है हमारे बच्चों की डिमांड के ऊपर जो है। वो एक्चुअली क्या है कि जो हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, तो उन्होंने बहुत बच्चों ने हमारे पास में डिमांड किया कि सर हमारा जो है पेपर वन के अंदर डी आई का टॉपिक है वो बहुत ही हमारा वीक है सर। अगर पेपर वन हमारा नहीं हुआ तो पेपर टू कितना ही अच्छा हो जाए सर, हमारा पेपर पास नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ आप कुछ कीजिए डी आई के बारे में, अगर आप हमारी हेल्प कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे जी, आपकी हेल्प के लिए ही हम यहां पे हैं। तो आपके लिए जो है वो डीआई का टॉपिक जो है मैं लेके आया हूं। देखिए, मैं कोई ऐसा नहीं है कि डीआई में बहुत ज्यादा कैपेबल या बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का कोई बैंकिंग वाला या एसएससी उसके अंदर मैंने पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक जो डीआई है जो अपने नेट के अंदर आती है बिल्कुल बेसिक लेवल का, तो वो डीआई हम आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से करवा देंगे। तो आपको वरी होने की बिल्कुल भी जो है वो जरूरत नहीं है, हम हैं यहां पे, डोंट वरी, वी आर हेयर, ठीक है। और टोटल मिला के जो है जो अपना डी आई का पोर्शन है इसके ऊपर 7 लेक्चर हम लोग लगाने वाले हैं। तो 7 लेक्चर के अंदर टोटल कंप्लीट डी आई जो है हम लोग इसको कर लेंगे। 1 लेक्चर हमारा लगेगा बेसिक का, 5 लेक्चर के अंदर डी आई के डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पोर्शन है वो हम कंप्लीट कर देंगे। और एक लेक्चर हम लोग लगाएंगे इसके किसका, जो अपने थ्योरी का, ठीक है। तो ये सब टॉपिक जो है वो हम लोग इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। ओवरऑल मिला करके जो है वो इसके अंदर हम, आप ये लगा के चलिएगा कि लगभग हम 7 लेक्चर जो है इसके ऊपर लगाएंगे। तो 7 लेक्चर में, लेकिन ये श्योरिटी है कि कंप्लीट डीआई, कंप्लीट जिसको बोलते हैं कंप्लीट, वो आपका यहां से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ईच एंड एवरी टॉपिक जो डीआई का है हम लोग यहां पे कवर कर लेंगे। जितने तरह के डीआई आज तक पेपर के अंदर आई हुई है वो सारा हमारे 7 लेक्चर्स के अंदर बहुत शानदार तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। फिर भी इसके अलावा अगर मान लो पेपर 1 के किसी टॉपिक में अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो जितना पॉसिबल होगा हम आपकी हेल्प करेंगे। पेपर 2 की सीरीज हम लोगों ने चला ही रखी है, ठीक है ना, कॉमर्स की, और पेपर 1 के ऊपर भी आप वर्किंग करेंगे अच्छे तरीके से। तो जो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हम आपको सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है जरूर बताएंगे, ओके जी। एक छोटी सी बस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। फर्स्ट टाइम हम लोग जो है वो पहली बार वो बच्चों ने बोला है, तो उसके लिए जो है हम डीआई जो है वो शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर अच्छा लगे तो अच्छा जगह कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ओके जी सर। तो आइएगा डाटा इंटरप्रिटेशन शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो सारा का सारा इसके ये है बेसिक के ऊपर कि डाटा इंटरप्रिटेशन जब हम करते हैं तो पहली बात तो डीआई है क्या, थोड़ा सा वो समझेंगे। और दूसरा हम ये समझेंगे कि डीआई जब आप करेंगे, जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं तो अपने पेपर के अंदर 5 क्वेश्चन तो आते हैं इसके, ठीक है। और 5 क्वेश्चन जो अपने यहाँ पे आते हैं तो उन 5 क्वेश्चन को करना कैसे है सर? तो करने के लिए हमारे यहाँ पे ना पहले, सबसे पहले समझना पड़ेगा अपने को क्या इसके जो बेसिक पैरामीटर्स है बेसिकली। तो डीआई जो है वो 3 जो है वो पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो बेस्ड है, वो पढ़ेंगे आप अभी क्या है। तो शुरुआत करेंगे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से। आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, थोड़ा सा मतलब यूँ लगेगा कि लीक से हटके है, ठीक है ना। देखो, बहुत सारे मैंने देखा है कि ट्यूटर जो है, या फिर मान लो अगर मैं भी जब पढ़ा तो हमको डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन करवाया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है पहले शायद जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप पहले एक बार बेस क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। आप अपने माइंड के अंदर पहले ये सेट कीजिएगा कि डीआई को जब आप करेंगे तो बेसिकली ना डीआई बेस अप्रोक्सीमेशन के ऊपर, एग्जैक्ट आंसर जो है बहुत कम चांसेस होते निकलता है। मेजोरिटी केस के अंदर जो है वो आपको अप्रोक्सीमेशन के ऊपर ही जो है वो चलना पड़ता है, आपका जो क्वेश्चन है वो अप्रोक्सीमेशन के ऊपर ही चलेगा, ठीक है ना। तो ये बात, कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो आप अपने माइंड के अंदर सेट कीजिएगा। मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया तरीके से। तो आज हम करेंगे शॉर्टकट, और नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम लोग इन शॉर्टकट को करेंगे अप्लाई हमारे क्वेश्चंस के अंदर, ओके जी। चलो शुरुआत करते हैं। पेपर नंबर 1 के अंदर यूनिट नंबर 7 अपने को दिया हुआ किसका, डेटा इंटरप्रिटेशन का। अगर हम बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के यूनिट नंबर 7 का, तो यूनिट नंबर 7 के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड हैं, तो उसके अंदर एक टॉपिक तो देखा अपने को सोर्सेज एक्विजिशन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ये टॉपिक हमने स्टैट के अंदर वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टैटिक्स जो आपको मैंने करवाया था तो उसमें ये हो गया था। इसके अलावा एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव, ये भी हमने कर लिया था। ये है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, एक है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, ये आपका एक तो अपने पेपर के अंदर ना डीआई जो है 10 नंबर की आती है हर एक, कोई भी अटेम्प्ट का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा तो मेजोरिटी आपको 10 नंबर का इसमें मिलेगा। बोले तो 5 क्वेश्चन पेपर 1 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जो कभी तो बार चार्ट का पूछ लेगा, हिस्टोग्राम का, पाई चार्ट का, टेबल चार्ट का, या लाइन चार्ट का। तो ओवरऑल मिलाकर के 5 कॉन्सेप्ट हैं, 5 तरीके से आपके पेपर के अंदर जो है वो डीआई का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आजकल रिसेंट में तो चल रहा है अपना ये क्या बोलते हैं अपना टेबल टूबल वाले क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना, टेबल का आ जाए, पाई चार्ट का आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए, आप किसी को नहीं छोड़ोगे, ठीक है। पहली बात तो सर डीआई आसान है मुश्किल है? भाई डीआई है सबसे
आसान। सबसे पहले तो जब आप पढ़ेंगे तो आप ऊपर लिख लीजिएगा कि डीआई जो है वो क्या है, सबसे आसान है, सबसे इजी। अगर मैं बोलता हूं ना तो पेपर वन के अंदर डीआई है, ठीक है ना। तो डीआई सबसे इजी है जब आप इसको करने बैठे, तो मैं तो कहूंगा इनफैक्ट पेपर के अंदर भी सबसे पहले डीआई करना चाहिए, क्योंकि यार फ्लैट फ्लैट क्वेश्चन होते हैं, जैसे आईसीटी है फ्लैट क्वेश्चन आता है, उसी तरह डीआई का भी अपना नॉर्मली है, ज्यादा कोई इतना तामझाम होता नहीं है, हम लोग पजल हो जाते हैं बहुत। जैसे अब देखिए हम जो कॉमर्स वाले हैं, ठीक है, हमारा तो थोड़ा सा क्या कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अगर बात करेंगे मान लीजिए कोई हिंदी से है, कोई इंग्लिश से है, लिटरेचर से है, आर्ट्स वाले हैं या साइंस वाले हैं, या मान लीजिए जैसे जनरली हिस्ट्री वाला कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसका जो मैथमेटिक्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। हमारे तो क्या होता है कॉमर्स के अंदर, जैसे इनकम टैक्स हम कर रहे हैं, कॉस्टिंग कर रहे हैं, अकाउंट्स कर रहे हैं, तो उसके अंदर अपना हाथ थोड़ा सा तेज हो जाता है कैलकुलेशन करने में। बट यहाँ पे थोड़ा सा अपने को जो है वो जो बेचारे हिस्ट्री वाले हैं, हिंदी वाले हैं, लिटरेचर वाले हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मान लीजिए उनके माइंड में अगर फिट हो गया, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। 7 लेक्चर लगाइएगा, मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ, पूरी जिंदगी अगर आप डीआई भूल जाएं तो 7 लेक्चर के अंदर कंप्लीट डीआई हम लोग जो है करेंगे बहुत शानदार तरीके से। चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। क्वेश्चन तो वही आएगा, मान लीजिए एक बार चार्ट आपको दे देगा और उसमें बताएगा कि उसमें कुछ डेटा देगा और आपको उसका इंटरप्रिटेशन करके देना है। सर पहले तो ये बताओ डेटा इंटरप्रिटेशन है क्या। देखो डेटा का मतलब क्या होता है, कोई भी मान लो आपको जो है बहुत सारा जो है वो डेटा कोई प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा जो है वो आपको बेसिकली डेटा प्रोवाइड करवाया। अब आपको वो जो डेटा है, जो रो डेटा है, उस रो डेटा को उसमें से मीनिंगफुल रिजल्ट निकालना होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डेटा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करते हैं, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, इंटरप्रेट करना, मतलब ये है जो आपको डेटा प्रोवाइड किया गया था उस डेटा के अंदर आप क्या करेंगे, एग्जैक्ट मीनिंग उसमें से कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट आप निकालते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, डेटा इंटरप्रिटेशन। क्या बोलेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन। बात समझ में आ रही है क्या जी सर। अब डेटा इंटरप्रिटेशन हम करते कैसे हैं, तो डेटा इंटरप्रिटेशन करने के ना आपके पास में कई सारे वे होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको डेटा प्रोवाइड था किसमें, बार चार्ट में या हिस्टोग्राम के अंदर या पाई चार्ट में या टेबल चार्ट में या लाइन चार्ट में, ये पढ़ेंगे सब कुछ। तो इनके अंदर आपको जो है वो डेटा प्रोवाइड किया हुआ था। अब आपको इसके अंदर बेसिकली करना क्या है कि यहां से जो डेटा आपको दिया गया है उस डेटा में से कुछ एक्सट्रैक्ट निकालने होते हैं, कुछ आपको डेटा में से डेटा को इंटरप्रेट करना होता है, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उस क्वेश्चन का आपको मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोवाइड करना होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डेटा इंटरप्रिटेशन। सारा का सारा थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है, थ्योरी भी है, लेकिन थ्योरी पढ़ेंगे हम आखिरी क्लास के अंदर। आज वाले में कॉन्सेप्ट 5 लेक्चर हम लगाएंगे इन पांचों के ऊपर और एक के अंदर हम लोग कर लेंगे अपना सारा का सारा क्या, थ्योरी, ठीक है। एक तो यही है, तो मेन तो चांसेस यही है कि इसी में से ही आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा। अगर तुम्हारी किस्मत ही खराब है तो फिर थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना। तो जिसके अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है या डेटा और उसके गवर्नेंस के जो है वो क्या प्रावधान चल रहे हैं वो सब देखना पड़ेगा। तो एक एक करके हम शुरू करेंगे, आइएगा। जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन शुरू करेंगे तो एक बात मेरी बात हमेशा माइंड के अंदर रखिएगा, ये कुछ 4 प्रिंसिपल है जो मैंने निकाले हैं यहाँ पे। जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं, जब आप डीआई करते हैं, तो इन 4 बातों को पेपर के अंदर जो है, इन 4 बातों को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। वो 4 बातें हैं क्या क्या, देखिए मैं अगर मेरी बात करता हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम जो पेपर दिया तो मेरे 50 में से जो है वो 43 क्वेश्चन मेरे सही थे, मतलब मेरे पेपर वन के अंदर 86 मार्क्स आए थे। तो उसमें क्या था कि देखिए मतलब डीआई जो है वो बेसिकली ना, कई लोग घबरा जाते हैं डीआई को देख के कि हाई कैलकुलेशन तो हमसे तो नहीं होगा, बट जब आप उसको पढ़ते हैं ना इजीली, आपको सबसे पहले क्या होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ें कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है और क्वेश्चन क्या बोलता है। तो सबसे पहले आपको वो चीज़ जो है वो आपको अपने माइंड के अंदर रखना पड़ेगा कि एक्चुअल के अंदर क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है। एक बार अगर आपने क्वेश्चन अपने माइंड के अंदर सेट कर लिया, मतलब क्वेश्चन को आपने जो है केयरफुली जब रीड कर लिया, देन उसके बाद जो है अब अगली बात ये आती है कि अब उसके जो नीचे आपको 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो उनको आपको देखना पड़ेगा कि उन पॉइंट्स के अंदर क्या बोलता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, आपको जो डेटा प्रोवाइड किया हुआ है वो डेटा किस चीज का प्रोवाइड किया हुआ है। देन सेकंड बात जो है वो आपको अपने माइंड के अंदर ये सेट करना है कि अब क्वेश्चन को पढ़ें कि क्वेश्चन क्या बोलता है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, फिर उस क्वेश्चन का ही आपको आंसर ढूंढना होता है। तो सबसे पहला जो अपना यहां पे प्रिंसिपल है वो ये है कि आप जो डायरेक्शंस होती है ना उनको केयरफुली रीड कीजिएगा। लाइक आपको जो है वो डेटा क्या प्रोवाइड किया हुआ है, आपको इनकम का कुछ डेटा प्रोवाइड किया, आपको एक्सपेंस का दिया हुआ है, आपको पॉपुलेशन का दिया हुआ है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया सिर्फ उसी चीज को सॉल्व कीजिए। जैसे कई बार ऐसा होता है 5 साल का डेटा प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, या फिर 5 लोगों के बारे में कुछ डेटा प्रोवाइड किया ए बी सी डी ई के बारे में, ठीक है, और क्वेश्चन पूछा बी के बारे में। कई बार हम क्या करते हैं, हम ए बी सी डी ई 5ों का क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे पूछा कि एवरेज इनकम बताओ, मान लो 5 साल का इनकम दिया 5ों लोगों का, और ये पूछा कि बी की एवरेज इनकम बताओ, हम वहां पे क्या करते हैं बी का तो बताते हैं और साथ में हम ये सोचते हैं कि चलो ए का भी निकाल लो, साथ साथ में सबका निकाल लो। ऐसा नहीं करना है, जो पूछा है सिर्फ वही चीज को आपको सोल्व करना है। तो यहां पे क्या है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन सोल्व ओनली विच इज रिक्वायर्ड
पॉइंट जो आपको बोला गया, सिर्फ उसी पार्ट को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तीसरी बात जो मेरी आप ध्यान में रखेंगे वो ये है कि यूनिट्स जो होती हैं, मतलब डेटा जो आपको प्रोवाइड किया हुआ है वो किसके अंदर है। मान लीजिए वो रुपीस में दिया गया है, ठीक है, या वो नंबर्स में दिया गया है, ठीक है, तो उसका डिनोमिनेशन जो है ना वो आपको माइंड के अंदर सेट करना है। मतलब डेटा जो है आपको लाख में दिया, हजार के अंदर दिया, दस लाख में दिया, मिलियंस में दिया, करोड़ के अंदर दिया, ट्रिलियन में दिया, किस में डेटा प्रोवाइड किया हुआ है, वो बात को, मतलब वो जो डिनोमिनेशन है वो आपको अपने माइंड में सेट करना है। एंड लास्ट गो 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 फॉर अप्रोक्सीमेशन। इसका मतलब ये है कि डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर कई बार ना अपने को आंसर जो है पॉइंट्स के अंदर आएगा, तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि आप एकदम एग्जैक्ट जो आंसर आप निकाल देंगे। आपका डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो काम करता है किसके ऊपर, प्रॉक्सिमिटी के ऊपर, अप्रोक्सीमेशन के ऊपर। तो डोंट गो फॉर द एग्जैक्ट आंसर, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो पेपर में ऐसा आ गया कि जैसे एक क्वेश्चन तो ये है कि 81.4 और एक है 81.9, अगर मान लो दो ऑप्शन ऐसे आ गए तो भैया वहां पर तो एग्जैक्ट आपको आंसर निकालना पड़ेगा। बट जनरली इतना हार्ड एंड फास्ट मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आता है तो बीच में डिफरेंस मिलेगा, और डिफरेंस अगर मिलेगा तो कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेशन के ऊपर अपना काम हो जाएगा। ओके, तो ये चार हमारे प्रिंसिपल है जो आपको अपने माइंड में सेट करने हैं। चलो अब हम शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक खास बात यह है कि डेटा इंटरप्रिटेशन जब आप पढ़ेंगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन करने में ये तीन टॉपिक का सबसे ज्यादा रोल होता है। ये तीनों टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम करवाएंगे, क्योंकि हम इसी के लिए आए हैं। एक होता है कि आपका एवरेज, एक है आपका रेशियो, और एक है क्या, परसेंटेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, रेशियो क्या होती है, और परसेंटेज जो है। ये तीनों टॉपिक अगर आपके थोड़े से अगर अच्छे हैं या अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी है तो आपको डीआई कंप्यूट करने में कोई भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। ओके जी सर। चलो सर, बहुत हो गया, आपने बेस फॉर्म को बता दिया, अब अपना इसका शुरुआत कीजिए, कॉन्सेप्ट बताइए क्या होता है। आइए हम कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। देखो, कई बार डेटा आपको ऐसा मिलेगा, ध्यान से समझना, एक डेटा प्रोवाइड किया, जैसे ए, एक वेरिएबल बता दिया, ए वेरिएबल है, और ए वेरिएबल के बारे में बोला कि ए जो है वो है 75, और बी के बारे में बता दिया बी जो है वो है कितना, 60, ठीक है। ए बताया 75, बी बताया 60। क्वेश्चन आता है कई बार कंपैरिजन का, मतलब एक साल के डेटा को दूसरे साल के डेटा से क्या करेगा, कंपेयर करवाएगा। कंपैरिजन दो तरीके का, या तो नॉर्मल कंपैरिजन, या आएगा कई बार क्या, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इनको सोल्व कैसे करना है, देखो ऐसा बोला कि ए कितना परसेंट है किसका, बी का। एक क्वेश्चन पूछा, जैसे आपको ए वेरिएबल दिया, बी वेरिएबल दिया, ए वेरिएबल 75, बी वेरिएबल कितना, 60, और फिर कंपैरिजन जो है, एक क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है वो ये पूछता है कि ये बताइए कि ए जो है इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए कितना परसेंट है किसका, बी का। तो जब ए कितना परसेंट है किसका, बी का, तो ए का पूछा जा रहा है किसके रेफरेंस में, बी के रेफरेंस में, ठीक है ना। तो आप जो है ना, ये देखो, तो आप यहां पे कुछ रेशियो जब आप निकालते हैं, या जब आप इसको परसेंटेज जब निकालते हैं, तो परसेंटेज को ऐसे निकालते हैं, तो आप क्या करते हैं, ऊपर व्हाट वी कंपेयर और अपॉन में क्या, टू होम वी कंपेयर, ठीक है ना। तो किससे कंपेयर करें, ए को कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें, बी से। आप ये पूछ रहे हैं कि ए कितना परसेंट है बी का, तो ए को कंपेयर कर रहा हूं किससे, बी से। तो बी मेरा बेस हो गया, बी यहां पर क्या हो गया, बेस हो गया, तो बेस को रखते हैं नीचे, नीचे। इसको बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेशन, क्या बोलते हैं, डिनोमिनेशन। और जिसके बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, न्यूमरेटर। वो ऊपर आएगा, ऊपर वाली फिगर जो होती है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाली को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या बनेगा, ए अपॉन बी, ए ए कितना था 75, बी कितना 60 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा कितना 125। तो अगर मान लीजिए कभी ऐसा आता है कि मान लीजिए अगर ये पूछता है, मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि ए जो है वो कितना परसेंट है बी का, तो इसको निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है, जो निकालना है वो आएगा ऊपर, और जिसके रेफरेंस में निकालना है तो रेफरेंस आती है हमेशा का नीचे। तो हमने नीचे ले लिया क्या, बी। तो हमने यहाँ पे, मैंने आपको सिंपल सा बेसिक बता दिया कि जब आप एवरेज लेके चलते हैं तो एवरेज के अंदर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे कि व्हाट वी कंपेयर, हम किस चीज़ को कंपेयर करते हैं, वो चीज़ आएगी ऊपर, एंड टू होम वी कंपेयर, जिससे कंपेयर करते हैं उसको, वो आएगा कहां पे, नीचे। ये हो गया। अब अगर मान लो सेम अगर ये पूछ ले कि B is what percent of A, B कितना परसेंट है A का, तो यहां पे बताओ रेफरेंस किसका लिया गया। सर यहां पे A जो है ना, A A की रेफरेंस है, A जो है A के रेफरेंस के अंदर बताना है कि B कितना परसेंट है, तो A अपना बेस हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा, A, ऊपर क्या आएगा, B। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा, B अपॉन A इनटू में 100, तो B आया कितना 60, और ये कितना आपका 75, इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अब इसको निकालने का देखो, यहां पे मान लो अगर हम 25 से इसको कंप्यूट करते हैं, तो यहां पे हो गया क्या, 25 पे अगर ये गया अपना 4 पे, ये गया अपना 3 पे, ठीक है। फिर इसको निकाल दो, 3 × 3 = 20, तो कितना आ गया आपका 80% आ गया। ओके जी सर। तो देखो, कंपटीशन अगर करना होता है ना, तो सबसे पहले ये देखो कि कॉमन कौन सा निकल सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको 5 से भी करके कर सकते थे, लेकिन मैं ये कहूंगा जितना बड़ा हो सके वो थोड़ा सा आपको, तो मतलब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अपना तुम्हारा माइंड उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा, ठीक है। अब आप आज से भी अगर रूटीन ये बनाते हैं, मान लो रोज का एक क्वेश्चन भी करेंगे ना, तो आपका हो जाएगा। बहुत सारे सुचित्रा हो गई है, नेहा हो गई, इनका इतना मैसेज आ रहा है, तो बेटा रो मत तुम लोग, ठीक है ना। तो हम आ गए हैं, तो मैं करवा दूंगा आपको सारा का सारा, ठीक है ना। तो बस आप ये है
कि पेपर टू अपना करते रहे और रोज रूटीन के अंदर ना डीआई का एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगर आप एक क्वेश्चन का रोज प्रैक्टिस करेंगे तो अभी पेपर अपना तो 6 तारीख को है, ठीक है, बाकी लोगों के 2 से शुरू है लेकिन अपना तो 6 तारीख को है, तो तब तक अपना प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। तो रूटीन में एक क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो अपना बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया अपना 80%। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया परसेंटेज जब हम निकालते हैं कि कोई जिसके रेफरेंस में निकालते हैं वो रेफरेंस हमेशा आएगी नीचे और जो निकालना है वो वैल्यू आएगा हमेशा क्या ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कई बार ना ऐसा होगा कि डिफरेंस पूछ लेगा। अब डिफरेंस कैसे होगा, जैसे मान लो 2 साल का डेटा दिया और बोलेगा कि बताओ दूसरे साल में कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना परसेंट से बढ़ा, कितना परसेंट से डाउन हुआ। तो उसको कैसे कंप्यूट करते हैं, जैसे मान लो ये बोल दिया कि ए इज व्हाट परसेंट, ए कितना था 75, बी कितना था 60, ए था 75 बी था 60, दो वेरिएबल थे। अब ये बोलता है कि ए कितना परसेंट है बी का, कितना परसेंट ज्यादा है किससे, बी से। ए जो है वो कितना परसेंट ज्यादा है किससे, बी से। तो बी तो क्या हो गया, रेफरेंस हो गया, ठीक है, और ए कितना ज्यादा है, ठीक है। तो हमने यहां पे पहले डिफरेंस निकाला, डिफरेंस मतलब कितना निकल गया 15, ए जो है वो कितना था 15, बी कितना था 60, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो ऊपर आएगा और नीचे लेके चलेंगे क्या रेफरेंस, तो यहाँ पे क्या बनेगा 15 अपॉन में 60 इंटू में 100, तो आंसर क्या आएगा आपका 25। आर्या बात समझ में, कैसे निकालेंगे 15 बन जा 15 अपॉन में क्या आएगा, ये 15 बन जा 15, ये आ गया 4 बन जा 4 25। आर्य बस में थोड़ा थोड़ा करेंगे तो देखिए अभी थोड़ा सा ना आपको ऐसा लगेगा कि सर पता नहीं क्या हो गया, एक ही दम मैथमेटिक्स आप उठा के बैठ गए, लेकिन क्या है कि ये कुछ बातें हैं जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, सीरियसली बता रहा हूँ, उसमें यही सब इन्हीं चीज़ों को जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये थोड़ा सा अगर आपके माइंड में सेट हो जाएगा देन क्वेश्चन जब आप करने बैठेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको 3 से 4 मिनट के अंदर आप 5 क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, ठीक है। चलो ये हो गया। अब एक स्पेशल बात जहाँ पे बच्चे मार खाते हैं वो क्या है, देखो तो यहाँ पे मैंने लिखा जिससे कंपेयर करते हैं उसको क्या डिनोमिनेटर के अंदर डालते हैं। अच्छा जी आगे, अब कई बार ऐसा हो गया बोला कि बी कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है किससे, ए से, ये कैसे निकालेंगे, तो अब वो वही परसेंट डिफरेंस लेना पड़ेगा, लेकिन नीचे जो है वो बेस क्या आ जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रेफरेंस किसकी है ए का, तो नीचे तो क्या आएगा ए आएगा, ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा डिफरेंस। अब सर डिफरेंस कितना, बी माइनस ए करेंगे, अरे भैया जब कभी भी डिफरेंस की बात आती है तो डिफरेंस हमेशा जो है वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, डिफरेंस हमेशा निकालते हैं कैसा हायर माइनस में लोअर करके, मैंने यहां पे लिखा माइंड इट, मेरी बात हमेशा क्या करना ध्यान रखना, और क्या बात याद रखनी है कि यहां डिफरेंस कंप्यूट करेंगे और डिफरेंस हमेशा क्या होगा हायर माइनस लोअर होगा, जब आप डिफरेंस कंप्यूट करेंगे तो डिफरेंस कैसा होगा हायर माइनस में लोअर होगा। यहां पे सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं भाई, यही ये एक पॉइंट है जहां पे सब, अब पता क्या होगा बच्चे क्या करेंगे बी माइनस ए, ठीक है, आंसर तो वही निकलेगा 20% लेकिन आ जाएगा माइनस का, क्या जाएगा माइनस का, अब माइनस का आएगा और वहां पे ऑप्शन में माइनस भी दे देगा और बच्चा करेगा माइनस वाला, अब माइनस वाला उसने जो है वो क्लिक कर दिया, बच्चा आगे बोलेगा अरे मेरा तो सही है, और जब आंसर रिजल्ट आंसर की आएगी तो बच्चा बोलेगा ओ शिट ये गलत कैसे हो गया, अरे मेरे लाल ऊपर क्या बोलता है बी कितना परसेंट कम है, पहले से उसको मालूम है ना, पहले से बोल दिया, अगर ये बोलता ना कि बी कितना परसेंट है, ठीक है, या व्हाट परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज, तो वहां पे आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जनरली पहले से बोल दिया कि बी कितना परसेंट क्या है कम है, तो आंसर आपका जो कंपैरिजन जो आप करते हैं ना अगर कम है तो आप वो परसेंटेज के अंदर आप उसको शो कर देंगे। तो प्लस माइनस को यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कैसे करना है, ठीक है ना। तो मैंने यहां क्या लिखा कि डिफरेंस जो है वो कंप्यूट कैसे होगा हायर माइनस में लोअर करके ही होगा, ठीक है ना। अच्छा जी अब ना ये देखो, अब एक स्पेशल बात बोलता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे एक बच्चे गलती सबसे ज़्यादा यहाँ पे भी बहुत करते हैं और वो क्या है माइंड इट, ध्यान रखना इस बात को भी, वो क्या है ये अपना आंसर आ गया कितना 20%, ठीक है, मतलब बी ए से कितना परसेंट कम है 20% और ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा था 25%, ध्यान से सुनना ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा था 25% और बी ए से कितना परसेंट कम था 20%। बच्चा क्या बोलेगा सर दोनों तो सेम ही है, ये अलग अलग क्यों आ गया, अरे भाई मेरे मेरी एक बात बताओ डिनोमिनेशन जो है क्या दोनों का सेम है या अलग अलग है, सर ऊपर डिनोमिनेशन के अंदर लेके चले थे बी को, नीचे डिनोमिनेशन में लेके चले किसको ए को, तो आंसर कहां से सेम आएगा, अगर डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो गया आपका अलग अलग हो गया तो फिर आंसर आपका जो है सेम है, नहीं आएगा। ए बी से कितना परसेंट फालतू है 25% फालतू है, बट बी ए से कितना परसेंट कम है बी ए से 20% कम है, तो आंसर जो है वो कभी भी सेम नहीं आएगा। स्पेशल बात आपको याद रखना पड़ेगा ये क्या है, ये दोनों सेम नहीं आएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर, ये दोनों सेम नहीं आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, दैट्स व्हाई ये दोनों जो है वो कभी भी आपका सेम नहीं आएगा, माइंड इट, ये बात अपना माइंड में रखिएगा। ओके जी सर, तो ये कुछ परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया जो आपको मैंने बता दिया। कई बार रेशो आते हैं यार और रेशो के अंदर कुछ ऐसा दिखाएगा, रेशो प्रोपोर्शन करेगा, कंपेयर करके बताएगा, देखो ऐसा कुछ देगा 16 अपॉन 21
और 31/21 ऐसा कुछ बोल दिया, मान लो ये दो रेशियो है, इनको कंपेयर करके बताना है। कई बार मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ गया तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, मतलब आपको देखो 16/21 दिया, 16/21 दिया और उधर क्या दिया 13/21 दिया, ठीक है 16/21 13/21। अब या तो आप इनको पॉइंट्स के अंदर निकालो, बट भाई टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ये तो शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो हम वहां पे क्या करेंगे। अगर ऐसा कोई केस आ जाए ना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर कभी दो जो आप रेशियो लेके चल रहे हैं अगर उनका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है सेम है, अगर दो मान लीजिए दो आप रेशियो लेके चले अगर दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो क्या है सेम है, तो वहां पे कौन सा रूल लगेगा। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना तो एक मेरी बात ध्यान रखना, जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा वो रेशियो क्या होगी बड़ी होगी, वो रेशियो क्या होगी बड़ी होगी जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा, जिसका न्यूमरेटर ज्यादा। अगर मान लो दो आपको जो है रेशियो दी हुई है, ठीक है एक रेशियो दिया हुआ है उसके अंदर दो वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल का अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर जो है वो क्या है आपका सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर क्या होगा ज्यादा होगा ना वो रेशियो हमेशा क्या रहेगी बड़ी रहेगी। कंपेयर करेंगे तो मैंने लिखा यहां पे, अगर डिनोमिनेटर क्या है सेम है, अगर मान लो दो उसमें डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर क्या होगा ज्यादा होगा वो रेशियो जो है वो क्या आएगी ज्यादा आएगी, जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा वो रेशियो क्या आएगी ज्यादा आएगी, ध्यान रखिएगा। तो कंपेरिजन जब हम करते हैं रेशो का तो उसमें कुछ इस तरीके से करते हैं। ओके जी सर, सर अगर ऐसा हो तो ये देखो एक हमने यहां पे ये लेके चले, एक मिनट रुकिएगा। अब यहां पे देखो या न्यूमरेटर सेम है या न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर लगे, या तो देखो अगर इसको कंप्यूट करना है ना, मान लो ये दोनों रेशो को कंप्यूट करना है भाई कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो या तो आप एक काम कीजिएगा या तो आप इसको कंप्यूट कर लो, बट टाइम नहीं है और टाइम नहीं है तो फिर क्या करें, तो सर शॉर्टकट लगाओ। सर शॉर्टकट क्या होगा, अगर मान लीजिए दो वेरिएबल का अगर न्यूमरेटर जो है वो क्या है सेम है, तो वहां पे एक रूल लगेगा कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो रेशियो क्या आएगी ज्यादा आएगी, वो रेशियो क्या आएगी ज्यादा। मैंने लिखा अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा हायर होगा, जिसका डिनोमिनेटर हायर होगा उसका रेशियो जो है वो क्या आएगा स्मॉल आएगा, उसका रेशियो क्या आएगा स्मॉल आएगा। जैसे मान लीजिए न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है बट डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करता हूं तो ये है मान लीजिए और ये बी है, तो बी का क्या 23 है, बी का क्या 23 है और ए का क्या 19 है, तो जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा कम होगा वो क्या आएगा ज्यादा आएगा, तो ये ऐसा बनेगा। आ रही है बात समझ में, बोलो जी सर अब समझ में आ रहा है सर थोड़ा थोड़ा, हाँ जी बिल्कुल आएगा। सर इसका वाइसी वर्सा क्या होगा, वाइसी वर्सा ये लिखा हुआ है देखो क्या बोलता है, अगर डिनोमिनेटर स्मॉल होगा तो फिर रेशियो क्या आएगा हायर आएगा, डिनोमिनेटर अगर स्मॉल होगा तो रेशियो क्या आएगा हायर आएगा। तो एक छोटी सी बात जो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि देखिएगा अगर कभी ऐसा हुआ कि अगर मान लो दो वेरिएबल के अंदर अगर मान लीजिए आपका न्यूमिनेटर जो है वो क्या दिया हुआ है सेम दिया हुआ है, तो फिर क्या होगा, तो सर जिसका डिनोमिनेटर क्या आएगा कम आएगा, जिसका डिनोमिनेटर क्या है कम है वो रेशियो ज्यादा आएगी, तो डिनोमिनेटर या 19 था तो ये रेशियो ज्यादा और जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा ज्यादा होगा वो रेशियो क्या आएगी कम आएगी। आ रही है बस समझ में, जी सर। सर ये तो ठीक है, न्यूमरेटर अगर सेम हो तो भी आपने रूल बता दिया, डिनोमिनेटर सेम हो तो भी रूल बता दिया, न्यूमरेटर में तो आपने ये बताया कि ठीक है कि जिसका ज्यादा ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। सर अगर मान लो वाइसी अगर मान लो सेम ना हो तो टिक मार्क का रूल लगता है, आइए वो भी करवाते हैं। देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, ये देखो ये मान लीजिए एक ये टिक मार्क का रूल होता है अपना, जैसे ये आपको रेशियो दे दिया 16/31 और ये 13/34, अब इसको आपको जो है कंप्यूट करना है। अपना एक बार बताइएगा, सबसे पहले न्यूमरेटर का रूल लगाते हैं, न्यूमरेटर जो है हम क्या बोलते हैं जिसकी रेशियो जिसका न्यूमरेटर क्या ज्यादा, एक बात बोलो जिसका न्यूमरेटर एक का है 16 एक का है 13 जिसका न्यूमरेटर ज्यादा है वो रेशियो क्या आएगा ज्यादा आएगा, तो मैंने यहां पे कर दिया। एक बार मैं दोबारा आपको ना तरीके से बताता हूं, जिसका न्यूमरेटर देखो अगर हम बात करते हैं किसका, इसका 16 की और इसकी 13 की, दोनों को कंपेयर करो किसका न्यूमरेटर ज्यादा है, ये ए है और ये बी है, किसका ज्यादा है सर ए का ज्यादा है, तो ए पे टिक कर दो। अच्छा डिनोमिनेटर में क्या बोलते हैं, सर जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है कम होता है ना वो रेशियो क्या आती है ज्यादा आती है, दोनों को कंपेयर करो किसका किसका कम है ए का, तो ये क्या आएगी ज्यादा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि ए जो है वो क्या होगा ज्यादा होगा किससे बी से, ए जो है वो ज्यादा आएगा किससे बी से। सर ये इसको प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है, जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना जैसे टेबल आ गया तो पिछले साल के मुकाबले में मान लो अगर आपको डेटा परसेंटेज में दिया हुआ है या डेटा अगर आपको रेशियो के अंदर प्रोपोर्शन में दे दिया तो वहां पे ये रूल लगाइएगा, कंप्यूट मत करने बैठना कभी पॉइंटों में आंसर निकालो तो भैया होगा ही नहीं आपसे, तो वहां शॉर्टकट ट्रिक लगाना पड़ेगा आपको। ये 3-4 शॉर्टकट ट्रिक है, आप ये मत सोचिएगा कि सर ये तो बैंकिंग के लिए यूजफुल है, भाई हमारे नेट में भी यूजफुल है, क्योंकि अगर शॉर्टकट ट्रिक लगा के क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा, तो बाकी क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम एडिक्वेट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो या तो देखो करने को तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 16/31 तो आप निकाल लो,
आप जो है वो निकाल लो, इसका परसेंटेज के अंदर निकाल लो। बट मैं आपको ये कहूँगा कि ऐसा मत कीजिएगा, आपने अगर ऐसा क्वेश्चन अगर मान लीजिए सोल्व करना है तो आप जो है फिर इसको सोल्व पता है कैसे कीजिएगा, इसी शॉर्टकट के अकॉर्डिंग। ओके चलो जी, ये हो गया। आगे अब ना एक ये दिया हुआ है, मान लीजिए एक ये डेटा आपको प्रोवाइड किया, ये है ए और ये है बी। चलो न्यूमरेटर का रूल लगाते हैं, मान लीजिए वैसे तो मैंने यहाँ पे टिक मार दिया था, गलती कर दी, तुमको दिखाना नहीं चाहिए था। चलो न्यूमरेटर का रूल लगाते हैं, बताओ न्यूमरेटर में क्या होता है, जिसका रेशियो क्या ज़्यादा, न्यूमरेटर जिसका ज़्यादा वो वैल्यू ज़्यादा आती है। तो ये 21 और 25 को कंपेयर करा तो बी ज़्यादा, टिक मार दो। अच्छा डिनोमिनेटर का क्या रूल होता है, सर डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो ये होता है कि जिसकी जिसका 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 डिनोमिनेटर में ये रूल होता है सर, जिसकी वैल्यू कम होती है ना उसका, मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू कम रहेगी तो उसका रेशियो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो अब देखो 17 और 82 कौन सा कम है, सर बी कम है, तो बी पर टिक आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि ए कम है और बी जो है वो क्या है, ज़्यादा, ए इज लेस देन बी या बी इज ग्रेटर देन ए। आ रही है बस समझ में जी सर। सर ये तो चलो ठीक है, और मान लो अगर कभी ऐसा हुआ कि दोनों एक एक जो है वो दोनों की ज्यादा आ जाए तो फिर क्या करोगे, अरे उसका भी तोड़ है भाई, ऐसे थोड़ी प्रिपरेशन के साथ आए हैं भाई, पूरा करवाएंगे आपको। देखो अगर मान लीजिए ऐसा आ गया क्वेश्चन जो है वो ऐसा बन गया 23/42 और ये 31/47, तो अब क्या करने वाले हैं सर। देखो सबसे पहले न्यूमरेटर का अगर रूल लगाएं, न्यूमरेटर का रूल लगाऊं तो न्यूमरेटर में हम बोलते हैं जिसकी वैल्यू ज्यादा, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, और वो अपना क्या हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो अगर न्यूमरेटर का रूल लगाता हूँ तो मान लो ये अगर मान लो मेरा ए है और ये अगर मेरा बी है, तो हम यहाँ पे बेसिकली ये बोलते हैं कि जी बी जो है वो ज़्यादा है तो बी पे टिक लगा दिया, ठीक है जी। सर डिनोमिनेटर का रूल लगाओ, डिनोमिनेटर बोलते हैं कि जिसकी वैल्यू कम है उसकी वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो बी अगर डिनोमिनेटर देखता हूँ तो देखो इसका बी का 47 आ गया और ए का 42 है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब क्या करें सर, फंस गए तो क्या सर कंप्यूट करें, 23/42 करके निकालें या 31/47 करके निकालें। देखो भाई अगर आपके पास में टाइम है तो आप कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला लगेगा, हमारा एक फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला हमारा कुछ ये होता है, ध्यान से सुनना, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा ये होता है ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। एक ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। सर ये ए बी सी डी ई एफ क्या है, ये बताता हूँ आपको। लेकिन पहली बात तो ये फॉर्मूला लगेगा वहाँ पे जहाँ पे सारी वैल्यूज जो है वो आपकी पॉजिटिव है, जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है तो फिर आपको कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, नेगेटिव वैल्यू के अंदर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। अब इसमें आप करते कैसे, देखो आपने ये यहाँ पे लिखो, पहले ये आ गया आपका 23/42 है और इधर लिखो 31/47 है जी सर। 23 में कितनी वैल्यू ऐड करूं, कितनी वैल्यू ऐड करूं कि 31 आ जाए, तो उसमें कितनी वैल्यू, मतलब 23 में क्या ऐड करें कि 31 आ जाए, तो उसमें 8 ऐड करना पड़ेगा। अच्छा जी 42 में क्या ऐड करूं कि मेरा क्या आ जाए, 47 आ जाए, तो क्या करेंगे, 5 करेंगे। कर लिया, अब आप अप्रोक्सीमेटली लगा के और इसका जो है वो एक बार परसेंटेज निकाल लो, तो दोनों का मैंने परसेंटेज निकाल लिया, ठीक है। पहली बात तो आपको ये बता दूं, ये 31/47 जो आप करेंगे ना तो वो इन दोनों वैल्यू के बीच में जो है वो लाई करेगा, थोड़ा ध्यान रखना। मतलब ये है कि जो ई अपॉन एफ आप यहाँ पे कंप्यूट करने वाले हैं वो ई, ये जो ई अपॉन एफ है ये क्या करेगा, ये इन दोनों के बीच में जो है वो क्या करेगा, लाई करेगा। ए अपॉन सी और बी अपॉन डी के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। इसका मतलब ये देखो, ये 31/47 करके जो आंसर आएगा ना वो 23/42 और 8/5 के आंसर के बीच में आएगा, ठीक है ना। तो हमने कंप्यूट किया, मैंने रफली सा कंप्यूट कर लिया, तो ये आ गया। अब कंपैरिजन इन दोनों के बेस पर किया जाएगा, अब कंपैरिजन आप इन दोनों के बेस पर करेंगे और वो कैसे होगा, आप कुछ ये करेंगे, ये कितना गया 0.5, ये कितना गया 0.7, इन दोनों में कंपेयर करो कौन सी ज्यादा, बी ज्यादा, तो ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन करेंगे तो समझ में आएगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, आइएगा। अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि ए और बी का वैल्यू दिया गया, ए है 23/42, बी है 31/47, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का मैंने रूल लगा लिया, बट उस रूल से मेरा आंसर अगर नहीं निकला तो फिर मैं क्या करूंगा। तो सर यहाँ पे फॉर्मूला लगे ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ वाला, और ये फॉर्मूला जो है वो बेसिकली क्या बोलता है, तो यहाँ पे आप क्या करो कि ये दोनों वैल्यू है ना, तो 23 में कितना ऐड करूं कि मेरा 31 आ जाए, तो मैंने जोड़ लिया 8। 42 में कितना ऐड करूं कि मेरा 47 आ जाए, तो मैंने जोड़ लिया क्या 5। इनके अकॉर्डिंग मैंने वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पे 23/42 करके परसेंटेज आ गया, 8/5 करके परसेंटेज आ गया, और 31/47 करके अपना रफली सा परसेंटेज निकाल लो, ठीक है ना। ये आ गया ना, अब आपका जो वैल्यू आएगा ना, आपकी जो वैल्यू आएगी, मतलब ये 31/47 ये इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो आपको जो है वो करना क्या, फिर बाद में इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके और आपका वैल्यू निकल आएगा। ओके बोलो जी सर, ये है जी आपका। अच्छा इसके अलावा जब आप डीआई करते हैं तो आपको कुछ और बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे ये परसेंटेज वाला, तो जैसे वन, अगर कोई वन वन वैल्यू दिया तो इसको बोलते हैं 100%, ठीक है, 1/2
वन बाई टू, इसको बोलते हैं 50। ये कुछ बातें हैं जो भाई ये तो आपको क्रैमिंग करना पड़ेगा, कुछ बातों का तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कुछ बातें तो इनको तो रटना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा अगर देखेंगे ना रूटीन में तो हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करके प्लीज आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये है वन अपॉन वन को बोलते हैं 100, वन बाई टू को बोलते हैं 50, 1/3 को बोलते हैं क्या 33.33, ठीक है। 2/3 को क्या बोलते हैं, इसका डबल हो जाएगा क्या 66.66। अच्छा 1/4 को 25, 3/4 को 75, 1/5 को 20, 1/6 को 16.66, 5/6 को मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई में 5 कर देना तो आंसर क्या आएगा 20.83.33। अच्छा जी, उसके बाद में 1/7 को 14.28, 1/8 को 12.5 बोलते हैं, 3/8 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 37.5, 5/8 को मल्टीप्लाई में इसके 12.5 के मल्टीप्लाई में करूंगा 5 तो क्या जाएगा 62.5, फिर 7/8 को क्या बोलेंगे इसके मल्टीप्लाई में क्या करूंगा 7 करूंगा तो आंसर क्या आएगा 87.8 आएगा। अच्छा 1/9 को बोलते हैं 11.11, 2/9 को बोलते हैं 22.22, 1/10 को 10%, 1/11 को 9.9%, 1/12 को 8.33%, 1/13 को 7.69%, 1/14 को 7.14%, 1/15 को 6.66% और 1/16 को 6.25%। वैसे तो कितना ही आगे करते रहो लेकिन अपने इतने ज्यादा काम का नहीं है। तो इस तरीके से ये कुछ बातें हैं जो आपको थोड़ा सा भाई आप इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, क्रैमिंग करना पड़ेगा, इसको तो क्रैम जरूर कीजिएगा। ये परसेंटेज, ये शॉर्टकट्स हैं, ये अगर थोड़ा सा अगर आपको याद हो जाएगा ना देन आपको क्वेश्चन करने में बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा रोज के 3-3 भी याद करोगे तो भी पेपर तक आपको सारा याद हो जाएगा यार, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा वैसे तो ये ऐसा क्वेश्चन कभी आता नहीं है बट फिर भी अगर आगे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे 10^2 देखिए इसको बोलते हैं हम 100, 10^3 है इसको बोलते हैं क्या 1000, 10^4 है तो मतलब 1 और 4 0 और लगा तो क्या आ जाएगा 10,000, 10^5 है तो 1 में 5 0 कितना हो गया 1,00,000, 10^6 है तो 1 में 6 0 1,000,000, 10,00,000 को बोलते हैं 1,000,000, 10^7 है तो मतलब 1 में 7 0 तो उसका 1 करोड़, 10^9 है तो इसका मतलब क्या हो गया 1 पे 9 0 आ जाएगा मतलब 100 करोड़ आ जाएगा, उसको बोलते हैं 1 बिलियन, फिर 1 ट्रिलियन और फिर 1 क्वार्टिलियन इसको बोलते हैं। ये कुछ बातें हैं, ये थोड़ा सा आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया ये क्या है 10^2 बोल दिया, इसका मतलब क्या, इसको कुछ ऐसा भी बोलते हैं 10 × 10, ठीक है ना, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 10 का स्क्वायर, इसका 10 × 10, इसको 10 का क्यूब है इसको ऐसे बोलते हैं 10 × 10 × 10, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं 10 × 10 × 10 × 10, तो इस तरीके से आप इसको जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। ओके बोलो जी सर, तो इसको बोलते हैं 10, तो 10^1 ये तो हमेशा होती है, कोई भी वैल्यू लिखा है तो पावर तो उसका क्या रहेगा 1 रहेगा, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके जी सर, ये थोड़ा सा हमारा बेसिक है किसका DI का, इसको थोड़ा माइंड में सेट कीजिएगा। अब आगे के जो 5 लेक्चर मैं देने वाला हूँ उन 5 लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे किसके बारे में, हम लोग जो है वो पढ़ेंगे DI के हर क्वेश्चंस के बारे में जो अपने को पेपर में करके जाने हैं, जो आपको मैंने बताया कौन कौन से, ये बार चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया, टेबल चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, ये सब हम करेंगे जब हमारे 5 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। देन आखिरी लेक्चर के अंदर हम लोग जो है इसका जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो भी हम सारा कर लेंगे। ओके जी सर, जल्दी से इसको कीजिएगा, ठीक है। इसका जो नोट्स है वो हमारे में जो टेलीग्राम के ऊपर हमारा जो ग्रुप बना रखा है उसके अंदर मैं डाल दूंगा, तो आप इसको वहां से जो है वो इसके कॉपी भी ले सकते हैं, ठीक है, इसके प्रिंट आप ले सकते हैं। ओके जी सर, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वरी मत हो ये बिल्कुल भी, जितना पेपर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना पेपर 1 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितना मेरे से हेल्प हो सकेगा मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है ना जी सर। चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर 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 आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो अच्छा अच्छा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा शेयर होगा उतने आपके फ्रेंड्स को भी जो है वो हेल्प मिलेगा, तो ठीक है यार, जिसका भला हो सकता है उसका तो करें, ठीक है ना जी। चलो ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।